नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अमरूद की एयर लेयरिंग पर है, जिसे हिंदी में गुटी कलम के नाम से भी जाना जाता है। कल जो कि मैंने नींबू की एयर लेयरिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जिसे मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। क्योंकि आज की वीडियो भी एयर लेयरिंग पर ही है। प्लांट चाहे कोई भी हो, पर एयर लेयरिंग का प्रोसेस सभी प्लांट में सेम ही रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जिस ब्रांच पर एयर लेयरिंग करना है, वहाँ पर दो राउंड कट लगाना है। पहला कट लगाने के बाद दूसरा कट 1.5 से 2 इंच की दूरी पर लगाना है। फिर दोनों के बीच में एक स्ट्रेट कट लगाकर बार्क यानी छिलके को निकाल लेना है। इसके बाद कैम्बियम लेयर वाले चिकने पार्ट को हल्का हल्का स्क्रैच करना है। हमने जो दो राउंड कट लगाया है, उन दोनों के बीच का कैम्बियम लेयर का कनेक्शन ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी रूट का बनना स्टार्ट होगा। अच्छे से स्क्रैच नहीं करने पर कैम्बियम लेयर फिर से जुड़ जाएगा और जड़ों का बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रांच को भोजन फिर से उसी मदर प्लांट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने जो मीडिया रेडी किया है, उसे इस पार्ट में लगाकर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से लपेटकर अच्छे से एयर टाइट बांध देंगे। इस मीडिया में मैंने चिकनी मिट्टी और कोकोपीट दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। कोकोपीट की वजह से मिट्टी में लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहेगा। इसके बाद मैं फिर से इसे पिछली वीडियो की तरह काली प्लास्टिक से कवर कर दूंगा, जिससे अंदर अंधेरा क्रिएट होगा और रूट्स की ग्रोथ फास्ट होगी, क्योंकि रूट्स हमेशा अंधेरे में ही फास्ट ग्रोथ करते हैं और काली प्लास्टिक की वजह से मीडिया में सूर्य की डायरेक्शन लाइट भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एयर लेयरिंग किए हुए मुझे 74 दिन हो चुके हैं। अब इसे कट करके अलग कर लेंगे, फिर प्लास्टिक को ओपन करेंगे। एयर लेयरिंग के लिए अगर सूटेबल टाइम की बात की जाए तो रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन बेस्ट रहता है, क्योंकि उस वक्त पौधे की न्यू ग्रोथ होती रहती है और टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। यह एयर लेयरिंग का कार्य आपको बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों में ही नहीं करना है। अभी फरवरी में आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। अब इसे मैं नर्सरी वाली काली प्लास्टिक में शिफ्ट करूंगा और जब यह अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर जाएगा तब इसे मैं गमले में शिफ्ट करूंगा। अगर आप काफ़ी बड़े प्लांट में एयर लेयरिंग करते हैं तो रिपोर्ट करते वक्त आप थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर लिया करें, उसके बाद ही उसे शिफ्ट करें, रूट्स की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ऐसे पौधे जिनकी कटिंग नहीं लगती है या फिर सक्सेस रिजल्ट बहुत रेयर रहता है, वैसे एयर लेयर प्लांट को हल्का प्रून करके ही रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि प्लांट स्ट्रेस में ना जाने पाए और उसे सरवाइव करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप देसी गुड़हल और नींबू जैसे प्लांट में एयर लेयरिंग करते हैं तब यह कार्य करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये इजीली सरवाइव करने वाले प्लांट हैं और इनकी कटिंग भी इजीली लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।